नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बींग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, हमारे चैनल पर जैविक खेती, बागवानी और वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी आपके साथ शेयर की जाती है। कोशिश यही रहती है दोस्तों, किसान भाई खेती में लगने वाले जो भी जैविक उर्वरक है, जो भी कीटनाशक है, जो भी पोषक तत्व है, वो स्वयं घर पर तैयार कर लें। तो उसी से रिलेटेड आज एक और वीडियो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि ह्यूमिक एसिड घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बनाएं। दोस्तों, ह्यूमिक एसिड एक तरीके का खनिज कार्बनिक तत्व होता है, जो बाज़ार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन बहुत अधिक मूल्य देने पर, बहुत अधिक पैसा खर्च करने पर। तो हम वो पैसा क्यों खर्च करें, जब हम उस चीज़ को खुद ही घर पर आसानी से बना सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप ह्यूमिक एसिड आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं दो विधियाँ शेयर करूँगी। पहली विधि में मैं आपको बताऊँगी आप ह्यूमिक एसिड कैसे बनाएं। दूसरी विधि में मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे ह्यूमिक एसिड के साथ साथ जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो भी कैसे अपने खेतों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें एक ही विधि से बनेगी। आइए, पहली विधि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। उसमें कुछ नहीं लगना है, सिर्फ गोबर के कंडे होते हैं, जो गाय के कंडे होते हैं, हमें वो लगने वाले हैं। तो अगर आवश्यक सामग्री की मैं बात करूँ तो 5 से 7 किलो आपको देसी गाय के गोबर के कंडे लगेंगे। अगर देसी गाय के गोबर के कंडे नहीं हैं तो आप जो भी गाय आपके पास उपलब्ध है उसके कंडे ले लीजिए। लेकिन जो कंडे आपको लगेंगे वो 2 साल पुराने होने चाहिए फ्रेंड्स, ताज़ा फ्रेश कंडे नहीं होने चाहिए। 2 साल पुराने कंडे आपको यूज़ करने हैं। इसके बाद में आपको क्या लगने वाला है, 50 लीटर पानी और एक ड्रम, नथिंग एल्स। सिर्फ इन 3 चीज़ों से आपका ह्यूमिक एसिड घर पर तैयार कर सकते हैं। बनाने की विधि की अगर मैं बात करूं तो 50 लीटर जो आपके पास में ड्रम है उसमें आपको 5 से 7 लीटर आपके गाय के उपले डाल देने हैं टुकड़े करके। आपने उन्हें डाल दिया और उसे पानी से भरकर अच्छे से रख दीजिए। ऊपर से आपको उसका ढक्कन अच्छे से लगा देना है, ढक्कन खुला नहीं रखना है, अच्छे से पैक कर देना है। 7 दिनों तक इस ढक्कन को ऐसे ही बंद रहने देना है, लेकिन इसको हिलाना है। हिलाना कैसे है, डंडे की सहायता से बिल्कुल नहीं हिलाना है, टैंक को बिल्कुल ओपन नहीं करना है। एज इट इज़ आप लीजिए और बाहर की साइड से ही आपके टैंक को हिला दीजिए ताकि जो अंदर सामग्री है, जो गोबर है, वो थोड़ा और अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको आपको छायादार स्थान पर रख देना है। दोस्तों, नोट कर लीजिए, डंडे की सहायता से नहीं हिलाना है, ढक्कन को ओपन नहीं करना है, बाहर की साइड से ही टैंक को हिलाकर रखना है। 7 दिनों तक आप इसे छायादार स्थान पर ऐसे ही रखा रहने दीजिए। 7 दिनों बाद आपका ह्यूमिक एसिड पूरे तरीके से तैयार है। ये तो हो गया आपका सिंपल तरीके से ह्यूमिक एसिड जो आपने बनाया है वो। अब विधि नंबर 2, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। विधि नंबर 2 में आपको कुछ चीज़ें लगेगी, लेकिन वो आसानी से आपके घर में मिल जाएगी। पहली चीज़ तो गाय के उपले हो गए, 5 से 7 किलो उपले, जो कि 2 साल पुराने हो। उसके बाद आपको लगेगा 0.5 किलो काला गुड़। वो गुड़ दोस्तों, जिसे ना हम खा सकते हैं ना पशु खा सकते हैं, एकदम ख़राब से हो जाता है, काला हो जाता है, वो आप ले लीजिए। वो लगभग ना के बराबर कीमत में आपको मिल जाएगा। तो 0.5 किलो आपको गुड़ ले लेना है। उसके बाद 2 किलोग्राम आपको दही लेना है, दही, जी हाँ, 2 किलोग्राम दही लेना है। और 200 ग्राम बेसन लेना है। बेसन आप पुराना बेसन ले लीजिए, किसी भी दाल का बेसन ले लीजिए, जो दाल आपके पास अवेलेबल हो उसको पिसवा कर आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि तुअर दाल का ही बेसन यूज़ करना है, कोई भी दाल आप ले लीजिए और उसका बेसन, उसे अच्छे से पिसवा लीजिए और उसे यूज़ कर लीजिए। और इसके अलावा 50 लीटर पानी और ड्रम। कौन कौन सी चीज़ें हो गई फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर देती हूँ, नोट अगर करना चाहे तो। 5 से 7 किलो गाय के पुराने कंडे, 0.5 किलोग्राम सड़ा हुआ काला गुड़, 2 किलोग्राम दही जो आसानी से आपके घरों में मिल जाएगा, 200 ग्राम बेसन किसी भी दाल का ले सकते हैं, 50 लीटर पानी और ड्रम। बनाने की विधि की अगर बात करें तो 50 लीटर जो पानी का ड्रम है उसमें, उसे आप पानी से भर लीजिए और उसमें जितनी चीज़ें हैं सभी अच्छे से डाल के और हिला दीजिए। बेसन भी, दही भी, गोबर के कंडे भी, और जो आपने काला गुड़ लिया है वो भी, सभी चीज़ों को अच्छे से उसमें मिक्स करके, हाथ से चाहे तो आप हाथ से मैश करके रख दीजिए, या डंडे की सहायता से चाहे तो उससे अच्छे से हिलाकर रख दीजिए। अब इसमें, इस टैंक को आपको 7 दिनों के लिए किसी छायादार स्थान पर रखना है।
लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको जो डिब्बे का ढक्कन है, जो टैंक का ढक्कन है, उसे पूरे तरीके से पैक नहीं करना है। उसे आपको ऐसे रखना है कि एरेशन बना रहे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिर्फ ह्यूमिक एसिड नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम गुड़ बेसन की सहायता से जीवाणु भी बना रहे हैं। असंख्य जीवाणु तैयार हो जाएंगे 7 दिनों के अंदर। तो आपको इसके ढक्कन को थोड़ा खुला रखना है इस तरीके से कि उसमें हवा आसानी से आ जा सके। आप चाहें तो जो जूट की बोरी आती है आप उससे भी ढककर इसे रख सकते हैं, ढक दीजिए, ऊपर से रस्सी से बांध दीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब 7 दिनों के लिए आपको इसे छोड़ देना है। बस थोड़े थोड़े अंतराल में, एक दो दिन के अंतराल में आप इसको हिलाते रहें। अब जो 7 दिनों में आपका ह्यूमिक एसिड बनकर तैयार हो रहा है, उस ह्यूमिक एसिड के साथ साथ आपने असंख्य जीवाणु भी तैयार कर लिए हैं, जो कि आपके खेत की मिट्टी के लिए बहुत शानदार काम करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका 7 दिनों के अंदर ये वाला ह्यूमिक एसिड प्लस जीवाणु वाला जो चीज़ है वो भी तैयार हो जाएगा, जिसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि ह्यूमिक एसिड को उपयोग में कैसे लाया जाए। बहुत आसान है दोस्तों, कोई समस्या नहीं है, आप किसी भी तरीके से आप इसे यूज़ कीजिए। आप चाहें तो पौध के उपचार में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी ये कारगर है। आप चाहें तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कर दीजिए, स्प्रिंकलर के माध्यम से कर दीजिए, स्प्रे द्वारा कर दीजिए, इसका स्प्रे कर सकते हैं आप। और अगर आप चाहें तो आप सीधे पानी में भी छोड़ सकते हैं, जिस तरीके से हम पानी लगाते हैं खेत में। तो जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ आपका पाइप स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर आप इस ड्रम के अंदर नल का एक टोटी फिक्स कर दीजिए और आप वहाँ से धीरे 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 इसे जाने दीजिए, तो ये आपकी पूरी मिट्टी में आसानी से जाकर घुल जाएगा। ये तो मैंने बात की 1 एकड़ भूमि के लिए। 1 एकड़ भूमि के लिए 50 लीटर तैयार किया गया ह्यूमिक एसिड पर्याप्त है। बिना किसी समस्या के आप 50 लीटर से 1 एकड़ में यूज़ कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार आप पानी मिला लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अगर आप 15 लीटर के टैंक से स्प्रे कर रहे हैं तो आप 5 लीटर ह्यूमिक एसिड लीजिए और 10 लीटर पानी मिला लीजिए और फिर इसका उपयोग कीजिए। आप महीने में एक बार आराम से अपनी फसल पर इसका स्प्रे कर दीजिए। कोई परेशानी नहीं भी है तो भी आप इसका स्प्रे कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपके पौधे में ह्यूमिक एसिड काम क्या करता है, नॉर्मली जड़ों में जाता है, एक तीसरी जड़ विकसित करता है, जिस जड़ का मुख्यतः काम होता है पौधे को पोषण प्रदान करना। नॉर्मली पौधा कई बार इतना सशक्त नहीं होता है कि वो अपना भोजन स्वयं मिट्टी से ले सके, तो उस केस में उसे तीसरी जड़ की ज़रूरत होती है। और जो ह्यूमिक एसिड है वो यही काम कर रहा है, तीसरी जड़ को विकसित कर रहा है, पौधे के अंदर जो कमी है उस कमी को फुलफिल कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका पौधा मजबूत होगा, उसको सारे पोषक तत्व मिलेंगे। जब सारे पोषक तत्व मिलेंगे तो ऑब्वियसली आपकी फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। तो ये बहुत ही आसान से तरीके हैं जिनसे आप ह्यूमिक एसिड अपनी फसल में यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे से बोलो तो स्प्रे से यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकलर से, डायरेक्ट पानी खेतों में छोड़ के, जो भी आप करना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है, सुविधा अनुसार आप इसे यूज़ कर लीजिए। अगर मैं इसके फ़ायदों की बात करूं दोस्तों, तो असंख्य फ़ायदे हैं ह्यूमिक एसिड के, जैविक ह्यूमिक एसिड के। मैं रासायनिक की बात नहीं कर रही हूं, मैं जैविक ह्यूमिक एसिड जो आपने खुद तैयार किया है। अगर मैं इसके फ़ायदों की बात करूं तो इससे आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। जब आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी तो जो आपका पौधा है उसे अपनी जड़ें विकसित करने में आसानी होगी, वो आसानी से पर्यावरण से ऑक्सीजन लेकर यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी मिट्टी भुरभुरी हो गई। दूसरी चीज़ होती है कि यह पौधे के पाचन तंत्र में जाता है। जिस भी पोषक तत्व की कमी आपके पौधे के शरीर में है, पौधे में है, ये उसको फुलफिल करता है। फुलफिल करता है तो पौधा पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाता है। जब पौधा स्वस्थ हो जाता है तो उस पर कीटों का आक्रमण भी कम हो जाता है। अब बात करें तो यह पौधों में हरापन बढ़ाता है। दोस्तों, जब पौधों में हरापन बढ़ता है तो कीटों का प्रकोप अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि हरापन बढ़ने पर जो आपके मित्र कीट हैं वो आपके फसल की ओर आकर्षित होंगे और जो शत्रु कीट हैं वो आपकी फसल को छोड़कर चला जाएंगे। जब फसल पीली पड़ने लगती है फ्रेंड्स, तभी शत्रु कीटों का आक्रमण होता है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी फसल में हरापन बना रहे। इसके बाद अगर बात की जाए तो ह्यूमिक एसिड आपके पौधे का इम्यून सिस्टम जो होता है, जो आंतरिक शक्ति होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। जब पौध आपकी मजबूत होती है, आपका पौधा मजबूत होता है, तो वो हर तरीके के वायरस, मौसम की मार, इसको आसानी से झेल जाएगा। कभी भी अगर मौका मिले तो आप विज़िट कीजिएगा, जो भाई जैविक खेती कर रहे हैं वो
और उनके पड़ोसी खेत को देखकर आप कंपेयर करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि पौधा कितना स्वस्थ है जैविक खेत में और जो दूसरा पौधा है उसकी हालत डाउन है। तो जैविक खेती का यही फ़ायदा रहता है, आपकी फसल अपने आप में इतनी मजबूत होती जाती है कि जब मौसम की मार पड़ती है या कोई वायरस का अटैक होता है तो वो पौधा अपने हिसाब से खुद ही मैनेज कर लेता है, खुद ही उससे बाहर आ जाता है। तो इसका उपयोग आप अगर करेंगे तो आपकी पौध मजबूत होगी, इसके उपयोग से आपकी जो फसल का भार है वो भी बढ़कर आएगा अन्य फसल की तुलना में जो आप जैविक तरीके से ले रहे हैं, जैविक ह्यूमिक एसिड का उपयोग करके ले रहे हैं, तो उससे आपका जो फसल का भार है वो भी बढ़कर आएगा। इससे आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, जो असंख्य जीवाणु आपने बनाए हैं ह्यूमिक एसिड के साथ वो तो सोने पे सुहागा का काम करने वाले हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाले हैं। इससे आप फसल के अंकुरण के समय भी उपयोग कीजिए, इससे अंकुरण के समय जब आप यूज़ करेंगे तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ह्यूमिक एसिड के उपयोग से ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपकी उपज बढ़ जाएगी, आप एक अच्छी फसल ले पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा भी कई फ़ायदे हैं जैविक ह्यूमिक एसिड के, आप इसे बनाकर खुद उपयोग कीजिए, किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी तरीके का कोई आपका मोटा खर्चा नहीं है, आप सिर्फ इसे यूज़ करके देखिए, क्योंकि जब आप यूज़ करेंगे तभी आप इसके फ़ायदे अपनी फसल पर नोटिस कर पाएंगे, तभी आप इसके उपयोग का महत्व समझ पाएंगे कि यदि जैविक तरीके से हम ह्यूमिक एसिड बनाकर उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या हैं। जब आप रिजल्ट्स खुद देखेंगे तभी आपको यकीन होगा कि जैविक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जैविक है तो कल है। इसके अलावा अगर आप रासायनिक की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी मिट्टी इतनी बांझ हो जाएगी कि आप कितना ही DAP डालें, कितना ही यूरिया डालें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप एक बार कोशिश कीजिए कि आपने अभी जो फसल लगा रखी है कोई भी फसल पर यूज़ कीजिए, कोई समस्या नहीं, सोयाबीन है, सब्जियां हैं, जो भी आपने लगाया वट एवर, आप उस पर ह्यूमिक एसिड बनाइए और उसका स्प्रे कीजिए। एक हफ्ते के अंदर आप अपनी फसल पर उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, मैं श्योरिटी के साथ आपको कहती हूँ। तो दोस्तों एक बार आप ज़रूर यूज़ करके देखिए, और जो भी आपके किसान भाई हैं आप उनके साथ भी ये फॉर्मूला शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धीरे धीरे जब चीज़ें स्प्रेड होगी, धीरे धीरे जब लोगों तक पहुँचेगी, तभी हम एक ऐसा समूह बना पाएंगे जो जैविक पर काम कर रहा होगा, और जब ऐसा समूह बनेगा तभी हम जैविक भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करेंगे, आप स्वयं इसका उपयोग करेंगे। उपयोग करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए, आपके कमेंट से दूसरे किसान भाई प्रोत्साहित होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।